मेला में भी देखा होगा उनके पुतले फूंक दिए। आप एक हिसाब लगाओ, मेला डच का पुतला फूंक जाता, उनकी क्या उन तक का उनका भी तो पुतला फूका गया। अभी नगर पालिका अध्यक्ष का फूक गया पुतला, नगर पालिका अध्यक्ष का फूक गया, फूकना चाहिए था किसी और का, फूक किसी और गया। तो यहाँ का क्या कहा जाएगा? अगर वो हो सकता है नितिन भाई साहब अगर हमारी मदद करने पर आए गए तो यहाँ के वही खुरापाती कुछ चंद लोग उनका फिर पुतला फूक दे। तो हमारे साथ मौजूद है शमशान भूमि उत्थान समिति के अध्यक्ष गोपाल गुप्ता जी। जानना चाहूंगा शमशान भूमि उत्थान समिति का जो चुनाव होता था, चर्चा ये 4 महीना लेट हो गया है और लेट हुआ है, ये आपसी जो आपकी समिति के जो लोग हैं, आपसी जो विवाद है इसको लेकर चर्चाएं रहती है कि इस वजह से चुनाव लेट हो गया है, कहाँ तक ठीक है ये? धन्यवाद भाई सचिन जी। सब प्रथम मैं आपका और आपके चैनल के सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी के लिए नमस्कार। चुनाव जो है लेट नहीं हुआ है, जो करीब हमने तो उसी टाइम कहा था चुनाव कराने को, मगर जो है जो हमारे पूर्व महामंत्री जी थे शमशान भूमि के, चेतन प्रकाश श्रीवास्तव जी, उन्होंने चार्ज जो है जितना भी था दिया था। हमने तो चुनाव कराने को कहा था मगर जो है हमारा सदन ये हुआ, जब चार्ज जब जिस दिन से चार्ज मिल जाता है उसी दिन से चुनाव की प्रक्रिया चालू होती है। तो चुनाव चार्ज जो है शायद 25-26 फरवरी को जो है प्रेम प्रकाश अस्तोज जी को मिला है, तो अभी चुनाव में कुछ समय बाकी है, समय बाकी है अभी। और इसके अलावा तालमेल कैसे चल रहे हैं आपके, क्योंकि जो पिछले महासचिव थे उनसे भी आपके तालमेल नहीं मिल पाए, वर्तमान में जो इस समय महासचिव है उनसे भी बीच में जो देखा गया था दोनों बीच से जो संबंध है वो अच्छे नहीं है, क्या वजह ऐसी है कि अध्यक्ष गोपाल गुप्ता जी के जो भी महासचिव बनते हैं उनसे संबंध अच्छे नहीं हो पाते हैं, आखिर क्यों? नहीं ऐसा नहीं है, तालमेल के लिए कुछ जहाँ पे निर्माण कार्य होता है, हम तो ये कहते हैं कि हम लोगों का एक बोर्ड है और बोर्ड में 12 मेंबर होते हैं, उसकी मीटिंग बुलाओ, जो लोग अपनी हर धर्मता चलाना चाहते हैं हम कहते हैं प्रस्ताव कराओ भाई, जिसकी तरफ जो है 12 में से 7 लोग हो जाए वो कार्य सही है और जिसकी तरफ जो है 4 रह जाए वो जो है कार्य गलत है। ये कोई किसी का घर का काम तो है नहीं, तो हम जो है कोई भी काम जो है बिना प्रस्ताव के अपने सदन को विश्वास में लिए नहीं करना चाहते हैं। और नहीं, मैं सिर्फ महासचिव की बात कर रहा हूँ, सिर्फ महासचिव जो पद है उस पे जो सीट पे जो लोग बैठते हैं उन्हीं से आपका टकराव रहता है, शिकायतें जांच होती है अंदर खाने, आपको पता ही है क्या चल रहा है फिलहाल आपके संगठन में, उसकी जानकारी ठीक तरीका से आपको होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, असल में हमारे लिए जो है 2 महामंत्री मिले और दोनों जो है बहुत ही योग्य और हमसे बहुत सीनियर रहे, उन्हें हमें चाहे छोटा समझ लो चाहे जो है शिक्षा का अभाव समझ लो, उन लोगों बोलो हम पे जो है अपनी चलाना चाहते थे, हम जो है जो बोर्ड और सदन में तय हो रहा है हम वो करना चाहते थे, तो इस बीच में थोड़ा बहुत जो है कभी कहा सुनी हो गई, मगर जो है हमारे शमशान भूमि उत्थान प्रबंध समिति में विकास और जो है काम व्यवस्थाएं हम सुचारू रूप से परमानेंट चलाते रहे और जब तक है चलाते रहेंगे। विकास की बात आप कर रहे हैं, विकास जो आपने कराया था, जो शमशान भूमि के बाहर जो आपने कराया था, पूरा मार्केट आपने बनाया था, आपने ये सोचा था कि इससे रोजगार यानी कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, इनकम के स्रोत भी बढ़ेंगे शमशान भूमि के, तो वही दूसरी तरफ ये लोगों का कहना था कि आपने उसमें नियमों के विपरीत कार्य कराया है, उसमें जो धन है उसका दुरुपयोग करा है, तरह तरह के आप तक गंभीर आरोप लगाए थे, आपकी जानकारी में होंगे ये। हाँ आरोप प्रत्यारोप लगते रहे मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आज मेरे पास में बैठ के डिबेट करी जाए या कोई प्रूफ या सबूत के साथ जो है आरोप लगाए जाए। हम तो कहते हैं, हमने पहले भी हर बार कहा है कि शमशान भूमि में जितना भी पैसा आया है वो केवल केवल निर्माण में खर्च हुआ है, यहाँ का पैसा निर्माण के अलावा और कहीं भी खर्च नहीं हुआ है, निर्माण जो है स्थायी है वो कहीं चला नहीं गया है। ये लोग संतुष्ट क्यों नहीं हो पाते हैं? आपकी सोसाइटी के एक संगठन के लोग हैं, सब लोगों को इकट्ठा रहना चाहिए जिससे संगठन मजबूत हो, लेकिन आखिर ऐसा क्यों कि आपके संगठन के महासचिव या जो और पदाधिकारी जो भी कुछ जो चुनिंदा जो लोग हैं, आखिर ऐसी बातें क्यों आती हैं सामने? फिर नहीं कोई भी नहीं है, आप किसी एक आदमी का नाम बता दो केवल, हम पूर्व मंत्री के मंत्री इनके लिए इनका तो जो कुछ अपनी चलाना चाहते थे, हम जो काम सही करना चाहते थे, साल को इतने अड़ंगे रगे मेरे ऊपर मुकदमे लिखवाए गए, मुझे हर तरीके से जो है दबाने का भी प्रयास किया गया, मगर नगर के बुद्धिजीवी समाज, राजनीतिक लोग और नगर की जनता जिसका मुझे पूर्ण सहयोग और समर्थन तन मन धन से मिलता रहा, मैं अपने आगे बढ़ता रहा और कार्य करता रहा। आपने अभी यह कहा था ना कि वो लोग मेरे सामने बैठे हैं मुझसे डिबेट करें, लेकिन कुछ लोग उसमें से अपने बयान में इसी इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि आप दबंग हैं, तेज तर्रार स्वभाव है आपका, कहीं झगड़ा ना हो जाए,
आपने सुना भी होगा वो इंटरव्यू। हाँ वो ऐसा है, उन मनगढ़ंत कहानियों को कहीं से आज तक हम हर दो तीन महीने में बोर्ड की मीटिंग करते हैं, करीब 6.5 साल जो है हमने शमशान भूमि में सेवा भी की है, हमारा कभी किसी से बात विवाद, क्योंकि उनके अंदर बैठने की और आमने सामने बात करने की क्षमता तो है नहीं, तो वो कुछ ना कुछ तो अनगलत तरीके से बात करेंगे ही, उन्हें कौन रोक सकता है। इसके अलावा आपकी योजनाओं में काफी चीजें थी कि गौशाला बनवाएंगे, वृद्ध आश्रम बनवाएंगे, शमशान भूमि की जो जगह खाली पड़ी हुई है धरातल पे क्या कार्य आपने उसमें करे कि ये काम हो जाए, क्या प्रयास करे आपने? देखिए हमने अपनी सारी योजनाएं पूरी कर ली, हमने शमशान भूमि में जो जन सुविधाएं होती हैं जितनी भी होती हैं सब पूरी कर ली। अगर आपको, आप भी बहुत ही जागरूक पत्रकार है, अगर आपको भी कोई कमी या कोई वैसी चीज दिखाई दे तो आप हमें हमें आदेश करें, हम उसके लिए तुरंत करेंगे। जी आपने जो व्यवस्थाएं अपने समय में करी है उससे आम जनता तो खुश है, लेकिन आपके संगठन के कुछ लोग खुश नहीं है, बस मेरा सवाल ये था। हाँ उसमें जो है यह बहुत बड़ा कारण संपत्ति का है, सब लोग कुछ लोगों की निगाह वहां की संपत्ति पर है कि जब तक गोपाल है हम यहाँ पर अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते हैं, तो वो हमें हर तरीके से तोड़ के हम पे मुकदमाबाजी करा के हम पे झूठे अनगणन आरोप लगाकर हमारे लिए दबाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर गोपाल गुप्ता कभी दबने वाला नहीं है, क्योंकि यह धर्म का, यह कोई राजनीतिक कार्य नहीं है, धर्म का कार्य है और इसमें जो है हमारे लिए पूरे जनमानस का सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहता है। तो आपकी सोसाइटी का जो बैंक खाता है और समय 4 महीना का रह गया है, आप कह रहे हैं 4 महीने बाद चुनाव होगा, तो उसमें कितना ऐसा रुपया है जो जनहित के कार्य में लगना था, बचा है कुछ या लग चुका है? नहीं समय 4 महीने का नहीं रह गया, 4 महीने चुनाव के बाद जो है 4 महीने के बाद चार्ज मिला है, तो चुनाव मेरी जो है मार्च में शिवरात्रि के बाद तुरंत जो है इसका शमशान भूमि का चुनाव होगा। रही खाते की बात, हमारी शमशान भूमि में पैसे की कोई कमी नहीं है, केवल यहाँ के खुरापाती लोगों ने, चंद खुरापाती लोगों ने जिनकी संख्या 3-4 से ज्यादा नहीं है, वो हर जगह खुरापात करते रहते हैं, उनका यह ग्रुप है और उनने, कौन लोग हैं ये? अब नाम तो लेने से कोई फायदा नहीं है, नगर की यहाँ ये लोकल का चैनल है, लोकल के सभी लोग जानते हैं, और उन लोगों ने बहुतेरा प्रयास किया कि जो है विघटन पड़ती रहे, ये संपत्ति पर उनकी निगाह रही, तो इसके उससे जो है सोसाइटी या हम लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं हाथी जो है जाता रहता है, कुत्ते घूमते रहते हैं, उनका जो है स्वभाव यही होता है। इसके अलावा गुप्ता जी आप जब अध्यक्ष बने उस समय जब आपकी शुरुआत थी, जब आपने चार्ज लिया अध्यक्ष पद का, उससे लेकर अब तक आपने कौन कौन सी सुविधाएं बढ़ाई शमशान भूमि में, थोड़ा सा बता दें इससे लोगों को पता लगे। देखिए हमारी सोसाइटी में और कार्यकारिणी ने करीब 7800 स्क्वायर फीट वहां पर गोदाम बनाए, नीचे प्रथम भूतल पर गोदाम बनाए, उसमें जो है लकड़ी कंडा भरा अंत्येष्टि का जो भी सामान उपलब्ध होता है उसकी व्यवस्था करी, और प्रथम उससे कितनी इनकम हो रही है जो आपने आगे मार्केट बनवाया, नीचे जो आप बता रहे हैं गोदाम टाइप की काफी जगह है, उससे शमशान भूमि की कितनी इनकम हो रही है? 10 दुकानें हैं, दुकानें तो 13 हैं, मगर इस समय 3 दुकानें जो है अलग हैं, उनकी नीलामी हो गई, अभी लोगों ने नाम में नहीं कराई है, 2 दुकानें 10 दुकानों से 550 किराया मिलता है, तो करीब ये 5500 हो जाता है, 2500 रुपये मिलते हैं गोदाम के, करीब 8000 रुपये मंथली की आमदनी है, जिससे जो है हम अपने वहां पर जो व्यवस्था देखते हैं उन लोगों का खर्चा पत्ता चल जाता है, लाहर लकड़ी कंडा भरा, इस ये काम हमारा जो है समाज सेवा में नो प्रॉफिट नो लॉस पे होता है, हम जैसी लाते हैं वैसी देते हैं, कोई गरीब गुनी किसी की सिफारिश आती है तो अंत्येष्टि का सामान हमारी सोसाइटी द्वारा जो है वो फ्री भी उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि हम नहीं चाहते हिंदू जनमानस में किसी की मौत पर चंदा हो या वहां पर पैसा इकट्ठा किया जाए। ये सुविधा है आपके यहाँ, अगर कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास में अंत्येष्टि का इंतजाम नहीं है, रुपए नहीं है लगाने के लिए, तो शमशान भूमि ये व्यवस्था करवा सकती है, करवाती है? करवा नहीं सकती है, हम लोग लगातार कर रहे हैं, जब हम पे ये व्यवस्थाएं नहीं थी, जब गोदाम और वो नहीं बने थे तो काफी लोग हुए थे, तो उनने कहा था कि जगह, तो हम जब से अध्यक्ष बने तब से हमने एक दो बार आपके चैनल पर भी बोला है कि अगर अंत्येष्टि में चंदा ना हो हमारी सोसाइटी पूर्ण रूप से हर तरीके से सहयोग करेगी, हम लोग उन लोगों के लिए लकड़ी कंडा जो भी सामान होता है इस दुख में उसकी व्यवस्था करते हैं। अब जो समय बचा है इसमें कुछ सोचा है? मार्च तो मुझे लग रहा है अगले महीने में मार्च है, हाँ
तो आगे आगे कुछ दिमाग में प्लान है, जैसे अब जब चुनाव आएगा फिर से अध्यक्ष पद, जो आपकी अभी जो चीजें रह गई हैं, जो आपकी योजनाओं में थी कि आप फिर से चुनाव लड़े, फिर से अध्यक्ष बने, वो पूरा कराएं, ऐसा है कुछ प्लान? क्योंकि काफी लोग आपके सामने होंगे इस बार। बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है सचिन भाई। आजकल ये संस्था राम जिला सोसाइटी है, कृष्ण लीला स्कूल है, कृष्ण श्री कृष्ण उत्तम माध्यमिक विद्यालय है, या जो भी सामाजिक संस्थाएं होती हैं, उसमें व्यक्ति की कोई अपनी आमदनी नहीं होती है, ना ही आमदनी के हिसाब से कोई उसमें काम करता है। ये समाज की चीजें हैं, भगवान की चीजें हैं, जनमानस की चीजें हैं। इसमें भला और शरीफ आदमी इसलिए जाता है कि हम उसमें मेहनत करें, सहयोग करें और समाज के काम में आए। मगर आज का जनमानस भी फेसबुक और व्हाट्सएप पे तो प्रक्रियाएं और वो कर देता है, लेकिन फ्रंट पर अगर कोई बात आ जाती है तो कोई भी नहीं आता है। तो मुझे नहीं लगता है कि आज के जमाने में, जैसे आपने रामलीला भी देखा होगा और भी संस्थाएं, कोई भला आदमी, अब मुझे नहीं लगता है कि अच्छा आदमी इन संस्थाओं का चुनाव लड़े। इसमें वो ही लोग चुनाव, क्योंकि हम लोग सेवा करते हैं इसलिए कि हमारी आत्मा को शांति मिले और हम सुकून से सो जाएं शाम को। मगर यहाँ पर इतनी खुरापातें चालू हो जाती हैं, खुरापात करने वाले 3-4 लोग हैं, मगर जो हिंदू जनमानस है वो सब जानता है, मगर अब सड़कों पर उतरना या सहयोग करना ये कोई नहीं करता है किसी तरीके से। क्या जनहित के जो कार्य है, जो अच्छे लोग हैं जो जनहित के कार्य कर रहे हैं, वो उन्हें क्या पीछे जाना चाहिए? अरे उन लोगों को किनारे करना चाहिए ना जो खुरापात कर रहे हैं। क्या जो सही लोग हैं जो जनहित के कार्य कर रहे हैं वो लोग पीछे हटियाएंगे? कैसे कार्य होंगे आगे सामाजिक कार्य? बिल्कुल आप तो हिम्मत हार रहे हैं। बिल्कुल मैं नहीं हार रहा हूँ। आप बताइए नवाबगंज में सामाजिक संस्थाओं का 7-8 सालों से सभी का ध्वन हो गया है। कोई भी सामाजिक संस्था, चाहे रामलीला सोसाइटी हो, चाहे श्री कृष्णा इंटर कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, कोई भी समाज, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, क्योंकि भले आदमी पहुंच जाते हैं तो लोग विवाद करने लगते हैं, और तो भला आदमी फिर क्यों जाएगा। तो जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, शमशान भूमि तो फिर भी इस समय 5-7 साल से नवाबगंज में सबसे ऊपर है, बाकी सभी सामाजिक संस्थाओं का कुछ खुरापातियों ने दोहन कर दिया। इसके जिम्मेदार वो खुरापाती नहीं है, इसके जिम्मेदार वो बुद्धिजीवी समाज और नगर की जनता है जो देखकर भी खामोश रहती है और उनसे कुछ कहती नहीं। जितना अवस्था हमने कर लिया, अब ना ही हमारा इस संस्था में चुनाव लड़ने का मन है और ना ही अब जितनी सेवा भगवान ने करी लिखी थी उतनी हाथों से हो गई। अब आगे और कोई जो भी आए करे, फिलहाल मैं तो अपना चुनाव मेरा लड़ने का हार गए, मन से हार गए खुरापातियों के आगे, इसका मतलब? जी हाँ, आजकल के खुरापात हम वाद विवाद में पड़ना नहीं चाहते हैं, और इन खुरापातियों के आगे अब हारना ही समझ लो, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है कि हम जो कोर्ट कचहरी अपना, या तो अपनी आर्थिक स्थिति भी इंसान की होती है, घर परिवार देखे या समाज की जिम्मेदारियां देखे, या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते घूमे। इन लोगों ने 2 साल से वो स्थिति कर दी कि कभी बरेली जाओ, कभी कोर्ट में जाओ, अभी 1 महीना पहले मैंने जमानत कराई है, और अब नगर का तो वो हाल हो गया है कि अगर कोई वो हो जाए, लोग जमानत तक को तैयार नहीं होते हैं, जल्दी कहते हैं भाई जमानत कराएंगे तो वो खुरापाते कि हमारे खिलाफ कंप्लेंट नहीं करते। ऐसे में क्या होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है, अगर आपके ही तरह लोग अपना मनोबल डाउन करने लगे तो कैसे कार्य होंगे? अभी आपने देखा था रामलीला मेले में क्या हुआ, अभी ताजी घटना है मेले में जो है, इस बार तो खैर बहुत ही अच्छे अध्यक्ष है जिन्हें मिल गया था, रविंद्र पाल गंगवाजी, इससे पहले हमारे आचार्य अरविंद शुक्ला जी थे, वो अध्यक्ष के लिए, मैंने तो जीवन में पहली बार देखा कि अध्यक्ष के लिए गाली दी जा रही है, पुलिस जो है मुकदमा लिखने की धमकी देती है, और जो लोग हैं खुरापाती वो अध्यक्ष के लिए गाली दे रहे हैं। तो इस तरीके से कौन है सामाजिक, और आम जनमानस वहां पे इकट्ठा नहीं हो रहा है तो कौन इकट्ठा हो जाए? सबसे बड़ी पीड़ा मुझे आपकी ये लग रही है, जो आम जनमानस, किसी के परिवार में अगर मृत्यु होती है तो वो अंत्येष्टि के लिए शमशान भूमि ही जाते हैं, और वो लोग अगर सही चीज में सामने नहीं आएंगे, साथ नहीं देंगे तो कैसे होगा? ये भी है बिल्कुल जनमानस की चीज में, जनमानस को आगे आना चाहिए, सही को सही है, गलत को गलत कहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जिन लोगों ने, जैसे आप कह रहे हैं कमी है तो खुल के बोले, लोग इस चीज को खुल के बोलना चाहिए लोगों के लिए। अगर ये गलत कर रहे हैं गोपाल गुप्ता जी तो इनका भी विरोध करना चाहिए, अगर ये ठीक कर रहे हैं तो इनके समर्थन में आना चाहिए, क्योंकि शमशान भूमि मुझे लग रहा है ऐसी जगह है जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को वहीं जाना है, इसलिए उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, जो लोग सही है उनका साथ देना चाहिए, मेरी फिलहाल सोच यही है। अब देखिए जैसे आपने कहा महामंत्री क्यों नाराज है, हमने मार्केट बनवाई 7800 फिटी, आज भी बनी हुई है, कहीं हिलके नहीं चली गई। पूर्व महामंत्री शुरू से बहस करते रहे कि गुप्ता के अध्यक्ष ने बहुत बड़ा घोटाला कर लिया, मार्केट 5000 फिट में बनी है, नाप आप भी गए थे साथ, नाप जब नाप हो रहा था आपकी टीम पहुंची थी पूरी, हमने खुले टंके के चोट पे नाप करवाई, तो कोई जो तो कहते हैं घोटाला हो गया, कौआ जो है कान ले गया, लेकिन कान कोई नहीं देखता है, ले गया। हम तो कहते हैं नवाबगंज के बुद्धिजीवी समाज के लोग बैठा लें,
चाहे वर्तमान प्रधान महामंत्री हो चाहे पूर्व महामंत्री हो, दोनों को हमें बैठा लें। अगर हमें कहीं पर भी 1% भी दोष सिद्ध कर दे तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं नवाबगंज छोड़ दूंगा। जो सजा जनमानस देगा वो सजा भुगतने के तैयार हूँ। मैंने शमशान को छोड़ देंगे आप अगर आपकी कमी निकली तो, आपका ये कहना है? एक भी कमी निकाल दे कोई, एक पैसे का घोटाला निकाल दे, हाँ कागजी कार्रवाई में लिखा पढ़ी में कमी हो सकती है क्योंकि हम पहले कहते हैं हम तो शिक्षा का अभाव है और ये कागजी कार्रवाई पूरी करने का दायित्व तो महामंत्री पे होता है। और अच्छा एक बात बताइए, आप हिसाब जो है कौन पैसा रहता है कोषाध्यक्ष के बाद? हिसाब रखता है महामंत्री। अध्यक्ष का काम होता है अपनी निगाह रखना। हाँ अध्यक्ष 8 लाख का घोटाला बताते हैं, बोले 60 लाख का घोटाला गुप्ता जी ने कर लिया। हाँ आपके ऊपर आरोप लगाते हैं तो 60 लाख रुपए की इनकम कहाँ से हुई? जो घोटाला कह रहे हैं उनसे पूछी जा रही 60 लाख का घोटाला होगा लेकिन 60 लाख रुपए आए कहाँ से? और इसका जवाब दही तो कोषाध्यक्ष महामंत्री को होना चाहिए, अध्यक्ष को नहीं। अध्यक्ष क्यों बुरा बनता है? क्योंकि वो किसी के मन की नहीं करने देता है। हम वो करेंगे जो हमारा सदन में प्रस्ताव पास होगा, जो हमारा सदन कहेगा और जो शमशान भूमि के हित में होगा। माननीय आप अध्यक्ष हैं, आपके समय में कई बहनामे हुए शमशान भूमि जमीन के पास में, उस जमीन को लेकर क्या कहेंगे? वो जमीन किसी और की थी या शमशान भूमि की थी? देखिए सचिन भाई मैं आपको बताऊं, जब खंडेलवाल वाली जमीन का मामला आया था जो शिवा धर्मकांटे के इधर मेन में है, तो उस समय जब खंडेलवाल कब्जा करने आए थे तो नवाबगंज के समाज सेवी लोगों ने उस समय बहुत संघर्ष किया और 10-12 लोगों पे उसमें FIR भी हुई। उसमें मेरे पिताजी भी थे, 2 चाचा थे, परिवार ही के लोग थे ज्यादातर। तो उसमें एक फैसला हुआ था उस खंडेलवाल से, आप किसी से भी मालूम कर लेना, विश्वामित्र जी ने आपके जो है चैनल में ये कहा भी था पहले कि हम शमशान भूमि की जगह जो है शमशान भूमि के लिए दे रहे हैं तान में और रामलीला वाला टुकड़ा हम ले रहे हैं। किसी क्रेशर वाले का नाम आता है कि कोई क्रेशर वाले लाला थे उनकी जगह है वो, और उसने ये भी चर्चाएं चलेंगी कुछ दिन में उसकी बिक्री हो जाएगी। कुछ लोग नगर के लोग हैं, कुछ लोग बरेली के लोग हैं, बिक्री हो नहीं जाएगी भाई। बिक्री हो चुकी है, बिक्री हो चुकी है, बिक्री हो चुकी है, सबके बैनामा हो गए हैं। और उन्हीं जिन लोगों ने जो बैनामा वगैरह कराए हैं उन्हीं लोगों का कहना है कि कैसे गोपाल हटे और फिर जो हम इस पर निर्माण करना चालू करें। बिक्री हुई है वो जगह किसकी आप मानना है? शमशान भूमि की, किस चीज की जगह है? बुलंद की जगह है, शमशान भूमि की जगह है। पूरा वो जितना भी था आपका भी आप बचपन से यहाँ रह रहे हैं, आज तक शुरू से ही शमशान भूमि का उस पर कब्जा रहा है और शमशान भूमि की जगह थी, कब्जा रहा है या उनके नाम थी शमशान भूमि के? देखिए ऐसा था पहले के लोग जो है दान कर लिखा पढ़ी कम दान की जगह जो हमारी है ले लो मंदिर बनवा लियो यहाँ पे, तो पहले के लोगों में जो हमारे कुछ बुजुर्गों में कुछ कमियां रही या पता नहीं वो सबूत नहीं मिल पा रहे हैं, उनने मौखिक करा क्या करा कि उनने की जो मंदिर बना लिया यहाँ पे वहां मंदिर बन गया। अब आज जगहों के रेट बहुत हो गए हैं, आज उनकी पीढ़ी के लोग कह रहे हैं कि भाई ये मंदिर हमारा है, उनके जो पुराने लोग थे वो लोग तो दान कर गए कहे गए, आज वो लोग कह रहे हैं तो उसके कागजी कुछ कागजों की कमी है जो हमारे है, क्योंकि हम तो 6 साल से हो गए ये काम बहुत पुराना है, हमारे लिए विरासत में कोई ऐसा कागज नहीं मिला जो हम कागज दिखा कर उनसे कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में कैसे सिद्ध करेंगे शमशान भूमि की? अगर आपके पास में कागज पूरे नहीं है और शमशान भूमि की जगह अगर सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे बचाव करेंगे आप? और सामने आपको लग रहा है अगर जो लोग लेंगे वो काफी प्रभावशाली लोग होंगे ये भी आपको पता होगा? देखिए 6 साल हो गई हमें और 10 साल करीब हो गए हैं इस का रजिस्ट्रेशन हुए, अभी तक तो हम लोगों ने किसी भी व्यक्ति को पर्सनल कब्जा नहीं करने दिया है। और जब तक है यहाँ पर हमारा, हम चाहे चुनाव कराने वाले अध्यक्ष बने या ना बने मगर शमशान भूमि के लिए अपना सर्वस्व हमेशा निछावर रहेगा। तो आप अध्यक्ष पद से कहीं ऐसी गिरी वजह तो नहीं है? आपको ये लग रहा है आखिर आगे जो है काफी विवाद होगा, जगह पे लोग कब्जा करेंगे, विवाद होगा, मैं अध्यक्ष पद का चुनाव ना लड़ू? नहीं तो बात तो नहीं है आपके अंदर? नहीं मैं वैसे अभी तक आप प्रचार कर रहे थे शमशान भूमि का, आप क्यों बैकफुट पे आ रहे हैं? जब आपको लग रहा है इतना बड़ा हिस्सा का बहनामा हो चुका है वहाँ पे और लोग वहाँ पे कब्जा करेंगे और गोपाल गुप्ता अगर जनहित में सामाजिक लड़ाई लड़ते हैं शमशान भूमि की जगह बचाने का प्रयास करते हैं तो आप क्यों डर रहे हैं? देखिए सचिन भाई जब मैं पहली बार अध्यक्ष बना निर्मोल बना, दूसरी बार कुछ लोगों ने इसी जायदाद के चक्कर में मेरा बहुत विरोध किया कि गोपाल गुप्ता अध्यक्ष ना बने, फिर भी मुझे जो है 50 में से करीब 34-35 वोट मिले, मैं चुनाव लड़ा। अब 2 बार मैं अध्यक्ष बन गया, लगातार हम ही बनते रहे तो लोग ये भावना और रहती है कि पता नहीं तुम्हें कौन सा लालच है, ये जे भी जुड़ जाता है कि तुम्हें लालच क्या है, जब तुम्हें उससे लालच भी नहीं है फिर तुम, कुछ लोग हमारे कह देते हैं कि तुम्हें लालच भी है नहीं फिर भी तुम उससे जुड़े हुए हो, तुम्हें पे मुकदमे भी हो रहे हैं, FIR भी हो रही है, तुम्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है फिर भी तुम उसे नहीं छोड़ना चाह रहे, इसलिए तुम्हें बहुत मोटी कमाई है हमारे। अच्छा जब कोई बाहर का कहे चलो बर्दाश्त कर लिया जाए,
हमारे घर के जो महामंत्री हैं, जो पूर्व हो, जैसे आप कह रहे हो उनने कहा है पूर्व हैं या जे हैं, हमारे महामंत्री ही लोग इस तरीके की बातें करेंगे, जो उसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर है बोलो ऐसी बात करेंगे, तो कौन सा भला आदमी क्यों करेगा? आपका दिल क्या गवाही देता है? आपको लगता है कि आप गलत काम कर रहे हैं? अगर आपको ये लग रहा है मैं ठीक कार्य कर रहा हूँ, जनहित वाले कार्य कर रहा हूँ, फिर काहे की घबराहट? फिर तो सामने कोई भी हो, अगर गलत काम कर रहे हैं तो बैकफुट पे आ जाइए, चुनाव में लड़िए। नहीं, हमारा दिल तो ठीक है, लेकिन भाई देखिए कोर्ट कचहरी थाने दरबार से भाई हमें भी डर लगता है। ये उम्र होती है इंसान की, अब हम भी 50 साल की समथिंग हमारी उम्र हो गई है, हमारा कब्जा नहीं है। पहले प्रशासन भी, मैं आपको बताऊं बड़ा इज्जत की कौन आ गए, अध्यक्ष शमशान भूमि के अध्यक्ष जी आ गए। अब प्रशासन में भी ऐसा नहीं है, उन्हें कौन आ गए उन्हें बैठा लो, जो इनमें बहुत घोटाला किया है शमशान भूमि में। अब ना तो प्रशासन की सपोर्ट मिलती है, आपको नगर पालिका अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी से वीरेंद्र सिंह राठौर है, आपके मित्र भी हैं, इससे पहले जो भी समस्याएं आती थी, अब आपको नहीं लग रहा है कुछ समस्याएं दूर होंगी? समस्याएं सचिन भाई सभी दूर होंगी। वास्तव में जब से नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती प्रेमलता राठौर जी बनी है और सगर नगर में जो है सभी कार्य नीरेंद्र सिंह राठौर जी देख रहे हैं, तब से बहुत ही हर जगह उन्हें अपनी, आपने मेला में भी देखा होगा उनके पुतले फूंक दिए। आप एक हिसाब लगाओ, मेला अध्यक्ष का पुतला फूंक जाता उनकी क्या, उन तक कब, उनका भी तो पुतला फूका गया। नगर पालिका अध्यक्ष का फूक गया पुतला, नगर पालिका अध्यक्ष का फूक गया, फूकना चाहिए था किसी और का, फूक किसी और के गया, तो यहाँ का क्या कहा जाएगा? अगर वो हो सकता है नरेंद्र भाई साहब अगर हमारी मदद करने पर आ गए तो यहाँ के वही फुरा पाती कुछ चंद लोग उनका फिर पुतला फूक दे, दोबारा पुतला फूक दे, दोबारा फूक सकता है पुतला? अरे क्या मालूम भाई, वो तो मेले की पैरवी में गए थे, कमेटी के साथ थे, अच्छा वो कमेटी के मेंबर भी थे, आजीवन के मेंबर भी थे, सोसाइटी कमेटी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर भी थे, इस नाते वो वहां चले गए, लेकिन लोगों ने उनका पुतला फूक दिया। अब तो क्या मालूम शमशान भूमि में हम लोग ज्यादा मदद करने आ गए तो फिर उनके लिए कि ऐसा ना हो उनकी गाड़ी रोक के उसी में आगे लगा दो, जान से मारने तक की धमकी दी गई थी, बड़ी घटना हो सकती है, पुतला फूकना गाली जलाना आपको लग रहा है? अरे भाई जो सामने गाली दे सकता है जान से, नरेंद्र सिंह राठौर जो है भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष है, मौजूदा नवाबगंज के चेयरमैन है, उनके बड़े भाई आदरणीय श्री रविंद्र सिंह राठौर जी भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य है, उनने पोस्ट डाली थी कि मेरी जान माल को खतरा है, आपने भी साथ सुना होगा। कितनी अजीब बात है, इंसान पावर में है, सत्ता में है, उसके बाद में आपसे पोस्ट, और उनका उन्हीं के सामने पुतला फूंक दिया, उन्हें गालियां दी गई, तो बताओ भाई जिन नगर की सेवा और जनता फिर भी खामोश, जनता को जवाब देना चाहिए, फिर नगर की सेवा कौन लोग करेंगे? हमें तो लग रहा है डकैत लोग ही बैठेंगे वहां पर, तो नरेंद्र भाई साहब को ही ना बना दे इसका संसार भूमि का अध्यक्ष, इस बार मुझे लग रहा है सोसाइटी में भी होंगे पदाधिकारी, उनको ही चुनाव लड़वा दे, उनको ही अध्यक्ष बनवा दे। नहीं, हमारी सोसाइटी रामलीला सोसाइटी में नरेंद्र सिंह राठौर जी सदस्य नहीं है, संसार भूमि में, संसार भूमि में जो है नरेंद्र सिंह राठौर जी सदस्य नहीं है, और बनवा लें आप सदस्यता खोले, उन्हें सदस्य बना लें और चुनाव लड़वाए, जीत भी जाएंगे। इसका फैसला तो भाई वो ही ले सकते हैं, मैं कैसे कह सकता हूँ? आप भी चाहते हो कि अच्छा जब कार्य कर रहे हैं तो शमशान भूमि में भी अध्यक्ष बन जाए? मैं तो चाहता हूँ भाई नरेंद्र सिंह राठौर जी बने, चाहे कोई बने, जो अच्छा है आके बने, बने बहुत अच्छी बात है, हम उनका सभी का स्वागत करें।